मोदी ने योगी ने करके दिखा दिया देश को। बस दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, योगी जी का, जिन्होंने ये सफल कार्य करवाया। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं राम भक्तों के बीच में। जैसे कि आप सभी को पता है 5 अगस्त है और राम जन्मभूमि की तारीख है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने वाले हैं, तो मेरे पीछे जो खड़े हैं इतने सारे राम भक्त हैं, सबने भगवा रंग पहना हुआ है। उत्साह आप देख सकते हैं कि कितना है राम जन्मभूमि पूजन का यहाँ पर। तो बात करते हैं इन्हीं लोगों से, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैम भंडारा है आज, राम जन्मभूमि का आज पूजन है, उसके उपलक्ष में पूरा भंडारा किया गया है। रात को दीपावली मनाई जाएगी एक तरीके से। अच्छा, रात को दीपावली मनाई जाएगी, दिए जलेंगे सब कुछ जी। तो कौन करा रहा है ये भंडारा? ये हम सब लोग आपस से सहयोग से हो रहा है जी। आपस में कर रहे हैं ये, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, जो खुशी है राम मंदिर बनने की, ये हमारे पूर्वज परेशान हो गए, अब 500 साल बाद ये मौका मिला है, तो आज के दिन ना खुशी मनाएंगे तो कम मनाएंगे। बिल्कुल, कब से चलता आ रहा है ये केस, पूर्वज परेशान हो गए थे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बस सबको खुशी है मैम, हिंदुत्व हमारा जिंदा रहना चाहिए, ये हमारी हिंदुत्व की पहचान है, भगवा हमारा पहचान है। और हम बहुत बस दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, योगी जी का, जिन्होंने ये सफल कार्य करवाया। देखिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। राम भूमि, राम जन्म की तो बात यहाँ पर हो गई है, राम मंदिर बन रहा है इतने सालों बाद, लेकिन जो विपक्ष है वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है इस पर। विपक्ष तो कभी कुछ होगा ही नहीं, उनको तो वजह चाहिए थी कि वो पहले कहते थे तारीख बताओ तारीख बताओ, आज जब तारीख आ गई है तो उनको अब खुशियां मनाए, अब वो ध्यान ही नहीं दे रहे इस पे। पहले वो लोग उन पे एजेंडा था कि तारीख बताओ, आज देखो आज हो गया। वो बीजेपी तारीख बताओ, कौन सी तारीख के कब बनेगा मंदिर, आज देखो हो रहा है ना, आज हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया है, ये कहा है कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, जिंदा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले जाओगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चलाओगे तो हम कहते हैं बना लो मस्जिद, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानते तो जो हमारा कोर्ट बोले हम तो उसकी मानेंगे ना। कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया तो हम किसी की नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मुस्लिम लॉ थोड़ी नहीं हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट है देश के लिए सबसे मान्य होगा, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, हम उसी के मान्य हैं, हम उसी के मानेंगे। अंकल राम मंदिर बनने जा रहा है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? हमें तो बहुत बड़ी खुशी है, इतनी खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं राम का मंदिर नहीं था, और राम तो हर आदमी के कड़कड़ में थे, और इससे बढ़िया क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने योगी ने करके दिखा दिया देश को, करके दिखा दिया। इससे पहले जो सरकार थी वो सिर्फ सोच ही रही थी, सोचा भी नहीं जा रहा था, तो अड़ंगा डालती चली जा रही है। अड़ंगा डालते डालते उन्हें जो कहा कदम उठाया, हमें अड़ंगा लगा दिया, आगे बढ़ गई राजनीति। उन लोगों को तो वोट की राजनीति करनी थी, वोट की राजनीति जी, उनका वोट बैंक ही है वो, उनका वोट बैंक है वो, मुस्लिम उनका वोट बैंक है, तो वो चाहते थे कि हमें ना फंसाए रखे उनका वोट हासिल करने के चक्कर में। अब लेकिन जो बीजेपी है वो तो क्लियर फैसला करती है, आपने देख लिया। आज हिंदुस्तान में कांग्रेस का पूर्ण रूप से पतन हो गया है, और कांग्रेस को पता भी लग गया, आज उनका कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है, दमदार दिल्ली में भी या उत्तर भारत में कहीं भी, देख लीजिए उनकी क्या हालात है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, मुस्लिम की यहाँ पर बात हो रही है कि मुस्लिम को एक वोट बैंक बना लिया है विपक्ष पार्टी ने, तो जो दंगे थे उसमें क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? पहले कांग्रेस ने बनाया था, अब केजरीवाल ने बना लिया, दिल्ली के अंदर पूर्ण रूप से केजरीवाल ने बना रखा है मुस्लिमों को अपना वोट बैंक, और मुस्लिम इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनकी सोच वही छोटी की छोटी है। देख सकते हैं मेरे पीछे राम भक्तों का उत्साह आपने देख ही लिया होगा। राम जन्मभूमि पूजन की आज तारीख है, पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। यहां पर दिल्ली का नजारा मैं आपको दिखा रही हूं, दिल्ली के ये लोग हैं, राम भक्त हैं, सभी जय श्री राम के यहाँ नारे लग रहे हैं, भंडारा भी करेंगे, रात को दिए जलाएंगे। अयोध्या में भी आज दीपावली का ही माहौल है, तो दिल्ली कैसे पीछे रह जाए, दिल्ली में भी ये दीपावली का ही माहौल आज रात को देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।